आर्टिकल 15 और 15(1) and (2) दैट इज एग्जाम्पल ऑफ राइट टू इक्वालिटी एंड अदर्स आर्टिकल इट मीन्स 15(3), 4), 5), 6 इज एक्सेप्शंस, अपवाद है। आप इसको पढ़ेंगे तो गड़बड़ लगेगा। अब बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए आपने कोई सुविधा दे दिया तो आप कहेंगे एक तरफ तो राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ सुविधा दे रहे हैं। आपने ईडब्ल्यूएस में आरक्षण दे दिया, आपने 30% महिलाओं को आरक्षण दे दिया, दिए ना उत्तराखंड में और भी स्टेट में जहां जहां है, तो आप कहेंगे तो गड़बड़ हो रहा है। तो आप क्या किए, ये सब एक्सेप्शन है भाई। इंडस सिविलाइजेशन आप पढ़े हैं, हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ये कम से कम प्राचीन इतिहास में अगर आप जाके देखें तो आप देखेंगे तो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था वहां मिलती है। इंडस सिविलाइजेशन यानी माता की सत्ता, माता की सत्ता पुरुष की सत्ता में कब तब्दील हो गई, यानी पिता की सत्ता में कब तब्दील हो गई, या किसी कालखंड में शुरू हो गया ना। 1500 BC में आप आएंगे तो ऋग्वैदिक काल की शुरुआत होती है और 1000 BC तक ऋग्वैदिक, उसके बाद उत्तर वैदिक यानी लेटरल वैदिक पीरियड रहता है। छोड़ो यार, फिर तो सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक की जरूरत नहीं है, हम इक्वलिटी की बात करते हैं भाई। माता की सत्ता है तो भी पुरुष को प्रॉब्लम है, पुरुष की सत्ता है तो भी स्त्रियों को प्रॉब्लम है, बोले दोनों की सत्ता कर देते हैं। राइट टू इक्वालिटी की बात करो। अब राइट टू इक्वालिटी के लिए जो डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे, चाहे वक्त के साथ स्त्रियों की शिक्षा पे प्रभाव पड़ा हो, बाल विवाह के कारण नुकसान हुआ हो, सती प्रथा के कारण हुआ हो, विधवा विवाह नहीं होने के कारण हुआ, बहुत सारे ऐसे जहमत आ गए रास्ते में, तो वो किसी कालखंड की देन है जो हिस्ट्री में आपको मिल जाता है, और किसी कालखंड की ही देन है जब इससे मुक्ति भी मिलती है। राजा राम मोहन राय को लेकर आएंगे तो एक कालखंड मिलेगा आपको, ब्रह्म समाज मिलेगा, लॉर्ड विलियम बैंटिंग भी मिलेगा, और सती प्रथा का अंत भी मिलेगा, बाल विवाह का भी अंत मिलेगा, विधवा पुनर्विवाह भी होने लगेगी, ये भी व्यवस्था आएगी, यानी कहीं ना, और स्त्रियों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। गांधी जी तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों को उतना ही योगदान लिया जितना पुरुषों का। तो एक प्रकार से कहा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन के जो आस्पेक्ट थे वो धीरे धीरे कमजोर होंगे, और आज 2023 में आप खड़े होकर के ये नहीं कह सकते कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसमें कि भेदभाव कमजोर हुआ है, खत्म हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा, कमजोर तो हुआ है। महिलाओं की सत्ता है या पुरुषों की सत्ता है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन राइट टू क्वालिटी को तुलनात्मक हमने बड़ा किया है। अभी एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि यूपी पीसीएस में 302 पीसीएस जे के रिजल्ट में 165 महिलाएं आई हैं। आपको बताइए हो गया ना, बराबर ज्यादा ही हो गए, 55% हो गए महिलाएं। अंडर 10 में पीसीएस में भी लेटेस्ट रिजल्ट में 8 डिप्टी कलेक्टर हैं, 2 ही लड़के हैं, एक 5वें नंबर पे, एक 10वें नंबर पे, बाकी 8 लड़कियां हैं। यहां तो और बड़ा रिजल्ट हो, यानी कहने का मतलब है कि भेदभाव खत्म हुआ है ना कह करके भेदभाव बहुत कम हुआ है, ये कह देना सही रहेगा। अब बाल विवाह का कहां प्रकरण है, अगर है भी तो अभी अशिक्षा है, जहां समाज कोशिश हो रही है। विधवा विवाह को देखें तो अगर उस हिसाब से देखें तो भाई ऐसी कोई दबाव तो है नहीं, आप करें ना करें वो आपकी मर्जी के ऊपर है, कानून आपको ऐसा कुछ रोकता नहीं है। और आप उसको देख लीजिए, शिक्षा दीक्षा को देख लीजिए, सती प्रथा है ही नहीं हमारे यहाँ। तो कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए जो भेदभावपूर्ण चीजें थी उसको जिस कालखंड में आई होगी, बट हमारे संविधान के कालखंड में जो 75 साल 73 साल के इतिहास में थे, ये सब चीजें घटोत्तरी में चली गई और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कानून लाए गए।